सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। इसी बात करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे, ठीक है। कैसे निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल? तो इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। समझ में आया? देखिए, अब बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट क्यों? देखो गुडविल जो होता है ना, हर साल नहीं कैलकुलेट करते, सुनना। गुडविल जो है कभी हम लोग हर साल कैलकुलेट नहीं करते गुडविल ना, जब स्पेशली कोई ओकेशनली अपन कैलकुलेट करते, जैसे कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है या बिजनेस बेचने वाले हैं या कोई अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी हम लोग देने वाले हैं, तो उस टाइम पे अपन गुडविल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते। तो ऐसा लगभग 10-12 साल में एक बार गुडविल कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, प्रॉफिट आपका मेन बेस क्या है गुडविल कैलकुलेट करने का, वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एक ऐसा चीज़ होता है जो हर साल अलग अलग होता है। आज आप प्रॉफिट 10,000 कमा रहे हो, अगले साल हो सकता है 20 कमाओ, उसके अगले साल हो सकता है 30 कमाओ, कभी हो सकता है आपको किसी साल लॉस भी हो गया। तो ऐसा गुडविल जो प्रॉफिट होता है वो कम ज़्यादा क्या होते रहता है, चलते रहता है प्रॉफिट, ठीक है। तो आप गुडविल निकालने बैठे तो सवाल उठेगा आपके सामने कि आप कौन से प्रॉफिट पे गुडविल कैलकुलेट करोगे, तो प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। ना तेरा ना मेरा, सीधा क्या कर लो, एवरेज निकाल लो। एवरेज मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पहले साल में आपने 10,000 प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल में 20,000 प्रॉफिट कमाया, तीसरे साल में 30,000 और चौथे साल में मान लीजिए 5,000 प्रॉफिट कमाया, इस तरह से, ठीक है। तो 4 साल का प्रॉफिट का डिटेल है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, तो सबको जोड़ो, 20, 10, 30, 30, 60, 65,000, कितना आ गया 65,000, डिवाइड बाय कितना कर दो, 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 करो डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आपका 13,250 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है गुडविल कैलकुलेट करने, मतलब एवरेज प्रॉफिट, मतलब हर साल एवरेज अगर देखा जाए इक्वली बेस पे, तो हर साल आपने 13,250 का प्रॉफिट कमाया है, इस वजह से एवरेज निकालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये होता है। अब सवाल होता है सर नंबर ऑफ परचेस ईयर क्या है, नंबर ऑफ परचेस ईयर बिजनेस को खरीद कर या बिजनेस को स्टार्ट किया आपको कितना दिन हुआ है, वो होता है नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक है। तो खैर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सवाल होता है सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर के टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट टोटल निकाल लो, डिवाइडेड बाय कर देना नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय क्या कर देना, नंबर ऑफ ईयर्स कर देना। समझ आया? तो तुम्हारा आ जाएगा। हाँ सर, क्लियर हुआ यहाँ तक फिलहाल तुम लोगों को बातें, कोई दिक्कत? ठीक है, तुम लोग क्या कर सकते, स्टोर में जा सकते हो, स्टोर में देखो अलग अलग कोर्सेज है। देखो सपोज आपको और भी कोर्सेज देखना है, तो व्यू ऑल करके आप सारे कोर्सेज देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपको कोई कोर्स परचेस करना है, जैसे मान लो 12th CBSE आपको कोर्स परचेस करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, तो आप यहाँ से बाय का ऑप्शन हो जाता है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है, देखो इसमें एक तो ऑफलाइन वीडियोज को आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हो ऑफलाइन मोड पे, और इसमें कोर्स का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो।